हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम सॉलिड ज्योमेट्री की तरफ आएंगे। सॉलिड ज्योमेट्री नाम सुनते ही बच्चे काफी डर जाते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सॉलिड ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हम देखेंगे इंटरमीडिएट का सॉलिड ज्योमेट्री, क्वेश्चन 2 बुक में लिखा हुआ है, Draw the plane and plan and elevation of a square prism standing vertically on its base with its equal length and breadth of 4 cm and height 6 cm. ये जो क्यूब हमें दिखाना है या फिर प्लान एलिवेशन दिखाना है स्क्वायर प्रिज्म का, उसका हाइट है 6 सेंटीमीटर, बेस है 4 सेंटीमीटर। तो जब भी बेस दिया जाएगा हमें पहले बेस क्रिएट करना होगा। मैं सबसे कहूंगी कि ये ऊपर जो है ज्यादा जगह लगने वाली है, हमें कंस्ट्रक्शन ऊपर बढ़ने वाला है, तो हम बेस थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट 4 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सटेंड कर लूंगी लाइन, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना होगा। इसलिए ये हो गया 4 सेंटीमीटर का ए बी ड्रॉ। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ताकि मैं उसके हिसाब से उस पर 90 डिग्री का एक अच्छे से एंगल क्रिएट कर सकूं। देखिए अभी इसे हमें एक्सटेंड करना है ऊपर तक, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब जो है ए बी जितना मैं डिस्टेंस लूंगी राउंडर में, और यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगी, यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगी, इस इंटरसेक्टिंग पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगी। अब जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं ज्वाइन कर दूंगी। ओके, तो अब जो है हमें करना ये है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो सुटेबल रेडियस से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें पैरेलल लाइन किस तरह ड्रॉ करना है पहले ही वीडियोस में सिखाया गया है। अब ये पैरेलल लाइन के जो दो पॉइंट्स मिले हैं हमें, ये हम एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो अभी इसको मैं नाम दे देती हूँ एबीसीडी, ए बी सी एंड डी, इसको मैं ई नाम दे देती हूँ, इसको एफ। अब जो है एफ पे हम पॉइंट रखेंगे राउंडर का, एंड सी जितना रेडियस लेके यहाँ पे आर्क बनाएंगे। सी जितना रेडियस लेके यहाँ पे आर्क बनाया, मतलब सी जितना डिस्टेंस यहाँ पे आया, फिर से एफ पे रखा, बी जितना डिस्टेंस लिया, बी पे रख के हमने यहाँ पे लाया है, इसको नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। अब जो है पी एंड क्यू पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, तो पी पे हम पॉइंट रखेंगे, क्यू पे भी रख के, हमें पता है परपेंडिकुलर किस तरह ड्रॉ करना है, तो उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा रही हूँ मैं कंफर्टेबल होने के लिए, फिर से क्यू पे रख के, मतलब पी एन क्यू दोनों पे हमने परपेंडिकुलर अभी ड्रॉ किए, तो उसका जो परपेंडिकुलर का लाइन है हम थोड़ा और एक्सटेंड करके ऊपर लेके जाएंगे। ये पॉइंट्स अच्छे से बराबर पकड़ना बहुत जरूरी है। ये एक्सटेंडेड लाइन है, इवन ये भी जो है पी क्यू
एबीसीडी का जो स्क्वायर हमने ड्रॉ किया था वो उसका लाइन भी हम एक्सटेंड करके ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी ये हो गया, ये मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर, ये तो हमने पहले ही 4 4 4 ले लिया है। वहाँ पे हमेशा आप नाम दे दीजिएगा और जो भी मेजरमेंट्स लिए हैं वो भी लिखना जरूरी है आपको। ओके, नाउ अभी ये बेस हो गया, अभी हमें हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हाइट बोली है तो हम 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेंगे राउंडर में। 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया और अभी हम क्यू पे रख के मार्क करेंगे, पी पे रख के मार्क करेंगे, एफ पे रख के करेंगे, ई पे रख के करेंगे, मतलब हमें सब जगह पे हाइट उसका मिल गया है। अभी हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। और इसको हम नाम दे देंगे अभी आर एस जी एच। ओके, और ये होने के बाद हमें इस पे नाम दे देने हैं, एलिवेशन साइड, एलिवेशन फ्रंट, प्लान फ्रॉम अबव। तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट।